जब आप आखिरी वाला बोल्ट निकाल रहे हो तब इसको आराम से 3 दिन पहले आ गया। मैंने क्या गलती किया हमें बता देता। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अनिल शबला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारा एक नया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो न्यू विंडशील्ड आया है डोमिनार के लिए, डोमिनार 250 के लिए, उसका जो हम उसको फिटिंग करने वाले हैं बाइक में वो सब देखने वाले हैं। एंड इसका रिव्यू करेंगे कि कैसा है ये वाला जो विंडशील्ड मैंने मंगाया हुआ है। ये है डबल बबल कॉन्सेप्ट वाला विंडशील्ड जो ऐसे 2 लेयर होके है। एंड मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट ट्रिप्स करना है उसमें सामने से जितना विंड ब्लास्ट आने वाला है वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था, तो मैंने ये मंगाया हुआ। तो मैंने जो मंगाया था विंडशील्ड वो था जेबी रेसिंग का। एंड जेबी रेसिंग का ये वाला विंडशील्ड मैंने रिव्यू भी देखा हुआ था, अच्छा था पहले। एंड ये ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं था, 2 ही पीस अवेलेबल था, तो मैंने 1 पीस मंगा दिया था। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है अमेजन में, मैंने चेक किया था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये वाला जो आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये वाला है जेबी रेसिंग का डबल बबल विंडशील्ड फॉर डोमिनार। बजाज का डोमिनार 400 और 250 दोनों में लग सकता है ये, इसमें कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं डिफरेंस नहीं है इसमें, दोनों में लगा सकते हैं। तो चलिए बाहर आया है हमारा पार्सल, उसको रिसीव करते हैं फिर उसको फिटिंग करेंगे। सो फाइनली हमारा विंडशील्ड आ गया है डेट से पहले। डेट था 5th का और ये पहले 2 दिन पहले आ गया, 3 दिन पहले आ गया। अच्छा पैकिंग है, जेबी रेसिंग का स्टिकर लगा हुआ है, पैकिंग सही क्या है, उसको खोलेंगे अंदर से देखेंगे कैसा क्या है। तो आप देख ही सकते हो हमारा पैकेज बॉक्स पूरा आ गया है। एंड चलो अभी उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं निकालता हूँ एक सीजर, फिर सीजर लेके काटता हूँ। ओके अच्छा पैकिंग है, ज़्यादा ऐसे स्टिकर वगैरह लगाए नहीं है, सही पैकिंग है। तो पैकेजिंग अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चलो जेबी रेसिंग वालों ने सही पैकेजिंग करके भेजा हुआ है। ओके एंड अभी आप देख सकते हैं उसके अंदर से हमारा निकल चुका है पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ हमारा जेबी रेसिंग का डबल बबल विंडशील्ड। तो चलिए जब तक अनबॉक्सिंग चलता है मैं इसका कुछ फीचर के बारे में बताता हूँ। इसका कलर है प्योर ब्लैक एंड ब्रांड जो है इसका है जेबी रेसिंग, जैसे कि आप स्टिकर से देख सकते हो इसका जेबी रेसिंग का है। एक्सटीरियर भी ब्लैक है, इंटीरियर दोनों साइड में आप ब्लैक कलर मिलेगा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। टाइल में इसको डबल बबल बोलते हैं, पर जो आप वेबसाइट में देख पाओगे इसको कस्टम बोलते हैं लोग, पर नॉर्मली हम मार्केट में इसको डबल बबल बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 लेयर करके बबल बना हुआ है। एंड जैसे कि मैंने पहले से बता चुका हूँ कि मटेरियल इसमें यूज हुआ है पॉलीकार्बोनेट। एंड ये बजाज डोमिनार 400 एंड 250 दोनों में ही कंपेटेबल है। इसको कंपनी क्लेम करता है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है, ये कंपनी की तरफ से उनका क्लेम है, ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। देन इसका फिनिशिंग देख सकते हो अच्छा है, जैसे दिखाया गया था फोटो में सेम टू सेम आया है प्रोडक्ट मटेरियल, मुझे अच्छा लगा। चलो चलिए इसको लेके चलते हैं। पहले हम बाइक से जो पुराना वाला हमारा छोटा सा विंडशील्ड है उसको रिमूव करेंगे, नंबर प्लेट निकालेंगे, देन हम उसको फिट करेंगे। चलते हैं हमारे बाइक के पास एंड शुरू करते हैं हमारा फिटिंग। हम हमारे बाइक सेटअप पे मूव करें उससे पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो। सो ये है हमारा डोमिनार 250 एंड इसका जो विंडशील्ड है वो स्टॉक वाला है, जो कि डिफ़ॉल्ट वाला जो कंपनी की तरफ से मिलता है वही वाला है। उसको पहले हम नट को ढीला करेंगे, फिर उसमें से दोनों जैसे हमारा नंबर प्लेट और फ्रंट का विंडशील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद नया वाला प्रेस करेंगे। उसके लिए पहले आपको इसके दोनों साइड में लगा हुआ ये स्क्रू ढीला करना पड़ेगा। एंड ये नॉर्मल स्क्रू है, इसको आप कोई भी टेस्टर वगैरह से आप आराम से निकाल सकते हो। सो आपको 4 बोल्ट एंड 4 रबर वाशर निकालना पड़ेगा। जब आप आखिरी वाला बोल्ट निकाल रहे हो तब इसको आराम से पकड़ के रखिए क्योंकि ढीला होने से ये निकल के गिर जाता है, तो केयरफुल रहना इसको जब आप निकाल रहे हो। तो अभी हो चुका है स्क्रू सारा का सारा ढीला एंड उसको निकालेंगे एंड इसको जाके एक अलग जगह पे प्लेस कर देंगे क्योंकि अभी अगर कुछ ज़रूरत हुआ तो उसको छोटा वाला भी हम यूज करने वाले हैं, उसको आराम से रख देते हैं। उसके बाद हम हमारे सारे के सारे बोल्ट्स एंड रबर वाशर को एक जगह पर रख देंगे। अभी ये सब ख़त्म होने के बाद चलिए लाते हैं हमारा डबल बबल विंडशील्ड को एंड उसको प्लेस करते हैं हमारे डोमिनार पे। सो पहले आप विंडशील्ड को अपनी जगह पे प्लेस कीजिए, देन धीरे से उसका ऊपर का दोनों बोल्ट
एंड रबर वाशर को हल्का सा प्रेस करके उस जगह पे फिक्स कीजिए। देन नेक्स्ट टू बोल्ट्स को उसके जगह पे प्लेस करके थोड़ा सा प्रेस कीजिए सो दैट ये एक जगह पे सेटल हो जाए। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे करके टाइट करना शुरू कीजिए। एंड जब आप उसको टाइट करेंगे तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड पहले पर टाइट हो जाए फिर दूसरा साइड को टाइट करें, दोनों तरफ से आप हल्का हल्का करके टाइट कीजिए सो दैट सही से फिक्स हो जाए एंड एक लेवल मैच करके फिक्स हो, बाद में यहाँ पे वाइब्रेशन ना हो। सो ऑलमोस्ट इतना ही प्रोसेस फॉलो करना है आपको अगर विंडशील्ड फिक्स करना है तो। इसमें मैंने क्या गलती किया मैं बता देता हूँ। मैंने ऑर्डर किया था ये डबल बॉल वाला विंडशील्ड बट मैंने इसका नंबर प्लेट एक्सटेंशन ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि ये लगाने के बाद जो नंबर प्लेट लगा हुआ था वो लगता नहीं है, मेरे को इतना ख्याल नहीं था तो मैंने मिस कर दिया उसको। सो गाइस इतना ही प्रोसेस था हमारा विंडशील्ड फिक्स करने का डोमिनार 250 में। एंड आई होप आपको इससे कुछ आइडिया हुआ रहेगा। अगर आपको आइडिया हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी ऐसे डोमिनार के बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं एंड सेफ ड्राइव ऑलवेज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय। जय हिंद।